हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज मैं नूडल बनाने जा रही हाँ। सब तो पहला मैं नूडल उबलने रखते है, ते दूजी साइड मैं कढ़ाई विच तेल पा के तेल नूं गर्म करना रख दिता है। हुण इस तों बाद प्याज कट के रखे हुए है, मैं आलू कट के रखे हुए है, ये आपां तड़के विच यूज करांगे। इधरों नूडल भी उबाल ले है, पानी कढ़ता इन्हां दा सारा। हुण कढ़ाई विच प्याज ऐड करके उन्हें भुनांगे थोड़ा जिहा। प्याज भुनन तो बाद उस तो बाद मैं आए विच आलू पावांगी। आलू ऐड करते उन्हें दोनों चंगी तरह मिक्स करके आलू थोड़ी देर भुनन देवांगे। जो थोड़ी देर पक जाएंगे उस तो बाद मैं विच सोया सॉस ऐड करांगी। अच्छी तरह मिक्स कर लांगे। मिक्स हो जाए फिर इसके बाद मैं ये नमक ऐड करांगी 1 चम्मच। नमक तो बाद इस मिर्च पावांगी। हम इन्हें मिक्स कर लांगे चंगी तरह तड़के में। नमक मिर्च तड़के चंगी तरह ऐड हो जाए। हम जो उबले हुए नूडल है थोड़े थोड़े करके आप तड़के विच मिक्स करांगे। थोड़े थोड़े तां ऐड कर रही हैं ताकि अच्छी तरह मिल जाए। जो कट्ठे पा दिते नूडल तो फिर अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे तड़के विच, तड़का अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे नूडल के विच। इस करके सानू की है थोड़े थोड़े करके जिहड़ा नूडल ऐड करने चाहिए है। तो मैं सारे नूडल जड़े हैं मिक्स कर लें धीरे। हम सारे मिक्स होने तो बाद नूडल साढ़े तैयार हो गए हैं। हम इन तुम चाहे बिना सॉस तो चाहे सॉस पा के खाओ।